बीच में मतलब डीजल का खर्चा आएगा सर, उसी पे अफोर्ड करके चले जाएंगे। ठीक है, आपके हाथ भी मैं देख रहा हूँ पूरा काला पड़ चुका है, क्यों ऐसा क्या हुआ? ये गाड़ी खराब हो गई थी। हाँ। रात में अपन 11 बजे इधर आए। हाँ। तो गाड़ी खराब हो गई तो इतना इंतजार करना पड़ा। अभी लॉकडाउन की वजह से किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं था। कहाँ से निकले आप? हम भिवंडी से निकले। भिवंडी से निकले, छोटे छोटे बच्चे भी हैं मैं देख रहा हूँ। तो आप देखिए कि हालात क्या है, भिवंडी से निकले हैं, गाड़ी खराब हो गई थी तो एक सड़क किनारे रुकाए हैं, गाड़ी को बनाया जा रहा है ताकि आगे जाएं, यहाँ से लखनऊ जाना है। लेकिन आप सोचिए क्या आपने कभी एक टेम्पो में इस तरह से 19 लोगों को देखा होगा? अमूमन इन दिनों हम जब भी निकलते हैं तो अपने साथ बिस्कुट के पैकेट और 2-4 डिब्बे पानी की बोतलें लेकर चलते हैं। हमने बिस्कुट के पैकेट उन्हें दिए और अगली खबर की तलाश के लिए आगे निकल गए। कुछ ही देर में 11:15 बजे ये टेम्पो भी लोगों को बिठा यूपी के लिए आगे निकल गया। शाम करीब 4 बजे हम नासिक से लौटते हुए इसी हाईवे पर थे, हमें साइड में ये टेम्पो दिखा, हम तुरंत रुके। पता चला कि कुछ देर बाद ही इस टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया। पीछे से तेज गति से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर ने टक्कर मारी, टेम्पो एक पत्थर से टकरा कर पलट गया, ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हम ये खबर सुनकर सन्न रह गए, कुछ भी शूट करने की हिम्मत नहीं हुई। तुरंत करीब ही शाहपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचे, ड्राइवर की पत्नी का हाथ टूट गया, एक बच्चे के सिर पर पट्टी बंधी थी, ड्राइवर का शव मॉर्चुअरी में रखा था। एक हंसता खेलता परिवार हमारे सामने सुबह से शाम के बीच बिखर चुका था। कोरोना संकट का ये दौर न जाने कितने परिवारों के लिए ऐसा काल बनकर आया है। हर पत्रकार के जीवन में ऐसी कुछ खबरें होती हैं जो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं, हमें हॉन्ट करती हैं। आज की जो खबर थी वो भी कुछ इस तरह से थी। सुबह जब हमने ये खबर की थी तब हमें पता था कि ये लोग परेशान हैं। हमने इनसे कहा भी था कि आपको 2-3 दिन लग जाएगा, आप आराम से जाइएगा। हमें नहीं पता था कि शाम आते आते जब दूसरी जगह से हम आएंगे तब हमें इनकी ही निधन की खबर मिलेगी। उसके बाद वहाँ पर ना ही कुछ शूट कर सके, मजदूरों से मिले लेकिन कैमरे पर उसे कैद करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी कभी किसी भी पत्रकार को ऐसी खबरें आप तक ना पहुँचानी पड़े। मुंबई नासिक रोड से प्रवीण जरोहित के साथ में सोए।